अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू सैम रेसिपी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी चॉकलेट वनीला मार्बल केक की रेसिपी। बहुत आसान रेसिपी है और जिसके इंग्रेडिएंट्स अमूमन हर घर में मौजूद होते हैं। बेकिंग टाइम है सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट। आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। इसके इंग्रेडिएंट्स में शामिल है 100 ग्राम तेल, 100 ग्राम पिसी हुई चीनी, 2 दरमियाने साइज़ के अंडे और 200 ग्राम मलाई जो दूध के ऊपर आती है, 200 ग्राम या 3/4 कप दूध, 200 ग्राम सी मैदा है, बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, 2 टेबल स्पून कोको पाउडर, 1 टीस्पून वनीला एसेंस। अब एक बड़े बाउल में मैंने दोनों अंडे शामिल कर दिए हैं। उसमें डालेंगे ऑयल और मलाई जो आपको दिखाई थी। चीनी थोड़ी सी रोक लेंगे क्योंकि जब कोको पाउडर डालेंगे तो उस वक्त यूज़ करेंगे, वो थोड़ा कड़वा होता है इसलिए। मैदा, बेकिंग पाउडर, अब इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। साथ ही शामिल कर देंगे दूध हस्बे ज़रूरत, जितना हमें चाहिए होगा, ना बिल्कुल गाढ़ा हो और ना बिल्कुल पतला, ऐसा बैटर हमें बनाना है। ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, आप देख सकते हैं कि इसी तरह से थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा बैटर बनेगा। अब जो हमने बैटर बनाया है उसकी हाफ क्वांटिटी हम दूसरे बाउल में शिफ्ट कर देंगे। अब इस हाफ बैटर में हम वनीला एसेंस ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब जो बाकी का बैटर है उसमें हम कोको पाउडर शामिल करेंगे, चीनी जो हमने बचाई थी वो भी शामिल कर देंगे, मिक्स करेंगे, थोड़ा सा दूध भी शामिल करेंगे क्योंकि ये कोको पाउडर डालने से गाढ़ा हो जाता है, तकरीबन 2 टेबल स्पून। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस बैटर को भी हम दूसरे बाउल में शिफ्ट कर लेंगे। दोनों बैटर की क्वांटिटी बराबर होनी चाहिए। अब एक माइक्रोवेव सेफ बाउल लेंगे और उसे 1 टीस्पून ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। थोड़ा सा मैदा ले लेंगे और उसे डस्ट कर लेंगे, बाकी जो एक्स्ट्रा मैदा होगा उसे रिमूव कर देंगे। अब हम 2 एक जैसे स्पून लेंगे, दोनों बैटर में डाल देंगे। अब बिल्कुल सेंटर में हमने एक डालना है स्पून, उसके ऊपर दूसरा स्पून, 1 बाय 1 करके ये प्रोसेस हम रिपीट करते रहेंगे। अब हम इसे 5 मिनट के लिए माइक्रोवेव में रख देंगे। 5 मिनट का टाइमर सेट कर दिया है, अब इसे स्टार्ट कर देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं और केक बिल्कुल तैयार है। स्टिक डाल के चेक करें, अगर साफ निकल आया तो समझें बिल्कुल रेडी है। थोड़ी सी पाउडर्ड शुगर हम इस पर स्प्रिंकल कर देंगे, थोड़ी सी बंटी शामिल करेंगे खूबसूरती के लिए। अब मैं आपको इसको कट करके दिखाती हूँ। ये बटर नाइफ से भी ईजिली कट हो रहा है, इतना सॉफ्ट बना है, आप देख भी सकते हैं। जी फ्रेंड्स, ये केक बहुत सॉफ्ट और मज़ेदार बना है। अगर आपके घर में कोई मेहमान आ जाए तो आप फटाफट बना के उसे सर्व कर सकते हैं और सरप्राइज़ कर सकते हैं। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़।